हेलो दगड़ियो, नमस्कार। पलाग और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे आप लोग? उम्मीद करूं कि सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं मैं पूनम मिश नेगी उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से। और आजकल मैं अपने मायके मेरे हल्द्वानी। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। और इसमें सुबह के लिए दलिया रखा हुआ है मैंने, नमकीन वाला दलिया बना रही हूँ। तुरई आलू काट रखा है और दाल में मूंग की दाल और अरहर की दाल डाली हुई है। बस घी में जीरे का तड़का लगाया, थोड़ा प्याज डाला और दलिया डाल के अच्छे से भून लिया। फिर इसमें पानी डाल दिया और दाल डाल दी और जो सब्जी है आलू और तुरई वो डाल दिया। बस पानी डाल के मसाले डाल के सीटी लगा दी कम करके, अपने आप पकते रहता है। और आपको ना खटर पटर की आवाज़ आ रही है पीछे, वो कुछ कट रहा है ना तो वहाँ की आवाज़ आ रही है। और फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी। इस पन्नी में है करेले, कोई लेके आया था किसी घर में हो रहे थे ना तो उन्होंने दिए। तो फिलहाल आज दिन में करेले की सब्जी बन रही है। ये देखो ये करेले। मौसम आजकल ऐसा हो रहा है ना, रोज बारिश हो रही, रोज बारिश। तो पापा की तबीयत खराब है, शुभी को भी बुखार आ गया। शुभी को सीजन की वजह से, मौसम की वजह से आ रहा है या फिर दांत आने की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। तो बुखार आ गया है बहुत तेज का। और आपको दिखाऊं, आज मेरी और मम्मी की दोनों की पैर साफ करने के लिए आ गई। ये देखो दिख रहा है चमक, दिख रहा है आपको? ये बहुत गंदी हो गई थी पायल बहुत ज्यादा, तो इसे साफ कर दिया है, चमका दिया है बिल्कुल। तो कैसे चमकाया आपको पता करना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे साफ कर रखी है। इस कटोरे में कर रखी है साफ। शुभी से मिलाती हूँ आपको। शुभी बच्चा, शुभी को बुखारी आ गया आज। शुभी बच्चे को बुखारी आ गया, रहा शुभी बच्चा। शुभू, शुभू को बुखार आ गया ना? शुभी को बुखार आ गया ना बाबू? हो गया आज अभी तो जा चुप है, बहुत रोने में। सुबह रो रही थी बहुत, इसका मतलब हाथ पांव गर्म हो रहे थे, फिर उसके सर भी बहुत भारी हो रहा था। इसके लिए दवाई लेके आए पापा, फिर ही सो गई थी। अभी 2 घंटे बाद उठी है ना, बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाए। स्माइल कर दिया बच्चे ने तो अभी। शुभ स्माइल कर दो, शुभ स्माइल कर दो, शुभ शुभ स्माइल कर दो, शुभ स्माइल कर दो, बाय बोल दो। नहीं मूड नहीं है आज, आज गुड नहीं है शुभी का। तो चलिए फिर मैं जल्दी से ये करेले ये सब कुछ छिल छाल के काट देती हूँ। और साथ में यहाँ पे बन रही है लेबर मिस्त्रियों के लिए चाय। आज बहुत सारे लोग, कितने आ रहे हैं? 5 हैं, 7 आए, 5 से 7 लोग आ रखे हैं। और हाँ आपको एक गुड न्यूज बता देती हूँ, कल रात को मेरा भाई आ चुका है, तो अभी वो काम देखने के लिए गया हुआ है ऊपर बस। और कल ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि शुभी की भी थोड़ा तबीयत खराब हो रही थी और काम में भी थोड़ा किचड़ पिचड़ बारिश हो रही थी, तो कुछ खाने बनाने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया कल। बस चलो कुछ जल्दी से सब्जी बना देती हूँ। शुभी मामू, मामू मामू शुभी तो देखो स्माइल कर दो। अरे अरे नहीं नहीं आराम से। तो अभी दिन के 3:15 बज गया, शुभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। देखिए मैंने ना ठंडी, मतलब ये ठंडे कपड़े का पट्टी भी कर ली है और दवाई भी खिलाई शुभी को, लेकिन शुभी का सर बहुत गर्म हो रहा है इसको। हाँ हाथ पाँव बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं शुभी के, सिर बहुत गर्म हो रहा है उसको। हाँ तो अभी पापा गाड़ी ला रहे हैं तो जाते हैं। बाहर चलते हैं। सुबह से ना किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कल रात तक ठीक थी और कल रात तक तो खेल रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह उठी ना तो बुखार ही था इसको। फिर दवाई लेके आए, उसे भी दवाई खिलाई हमने, मतलब क्या है ठीक हो रही है फिर तेज बुखार आ जा रहा है, ठीक हो रही है फिर तेज बुखार आ जा रहा है। तो पापा ने गाड़ी किसी और के वहाँ पार्किंग में लगा रखी क्योंकि हमारे वहाँ पर आजकल काम चल रहा है ना, तो वहाँ से गाड़ी लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। भाई नहीं है, पापा आ गए हैं। तो अभी बज गया है सुबह के 10, कल फ्राइडे था आज सैटरडे, आज फिर से मैं शुभ को दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। शुभ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है,
इसको अच्छे से उड़ा दो मम्मी। क्या हुआ मुंह बंद कर लिया? सर्दी जुकाम सबको लग गया यार, बस हो गया। ऐसे फोन मत करो यार। अच्छा पानी कल रात भर शुभि की तबीयत भी खराब थी, मेरी भी तबीयत खराब थी। मैं 3 बजे से शुभि के सर में गीले कपड़े की पट्टी करने में लगी हुई थी। चलो पापा तैयार है, अब चलते हम लोग हॉस्पिटल को। चलो तो शुभि की दवाइयाँ ले ली है, डॉक्टर को दिखा दिया हम लोगों ने, बस अब जा रहे हैं। अभी थोड़ा मौसम भी ठीक हो रहा है, सुबह तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जब मैं आ रही थी ना हॉस्पिटल को, अभी धूप आने लग गई है। सच में इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना मुझे भी। बाकी आपको घर जाके बताऊँगी डॉक्टर ने क्या क्या कहा और कौन कौन सी दवाइयाँ दी हैं। तो अभी बज रहा है 1:30 बज चुका है, और हॉस्पिटल से आने के बाद फिर हम लोग की भी तबीयत थोड़ा थोड़ा कल से ही ख़राब हो रही थी, तो आज सब की तबीयत खराब हो गई। फिर हम लोगों ने अपने आप को भी दिखाया, अपनी दवाई भी लेते भाई, मैं पापा अपनी दवाई लेके आए, मम्मी की भी लेके आए, वहीं से अम्मा की भी लेके आए। घर आकर के शुभि को बहुत मुश्किल से मैंने पहले बिस्किट खिलाया, फिर इसको मैंने दवाई खिलाई, दवाई खिलाने के बाद फिर इसे दूध पिलाया, फिर इसको सुलाया। फिर हम लोग की भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी ना, किसी के कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं थी, उठने की हिम्मत नहीं आ रही थी, हाथ पाँव कमर में दर्द, खांसी हो रही थी, खांसी भी इतनी ज़्यादा खांसी हो जा रही थी कि उल्टी होने का जैसा हो जा रहा था। डॉक्टर ने बोला कि दवाई बच्चे को दवाई खिलाने के बाद फिर जब इसको सुला देना, फिर जब इसका बुखार जब कम हो जाएगा फिर इसे नहला देना करके। फिर हम सबके सब सो चुके थे दवाई खिलाने के बाद, फिर अभी उठे तो शुभि का बुखार कम था, कम क्या नहीं था उस टाइम पर। फिर इसको भी मैं नहला के लाई हूँ, हीरा शुभि बच्चा, तो शुभि को नहलाया हमने, अभी नहा के आई है। फिर उसके बाद अब मैं जाके इसको दूध पिला रही हूँ, कुछ खिलाऊंगी खाना, और फिर उसके बाद हम लोग भी नहाएंगे क्योंकि हम लोगों ने भी नहाया नहीं, हमने सोचा कि ठंडा हो रहा है तो इस वजह से नहीं नहाया। तो डॉक्टर ने बोला कि जब जैसे बुखार सब लोग का कम होगा तो उसके बाद नहा लेना, क्योंकि जितना बैक्टीरिया की वजह से होता है ये, तो जितना बैक्टीरिया धुलेगा उतना सही होगा। तो शुभि को नहला दिया, अब अम्मा बैठेगी, अम्मा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, सब की हो रही है, मम्मी भी सोई थी, सब लोग सोए थे, हम लोग अभी उठ रहे हैं। उठने के बाद फिर अम्मा ने तुरई काटी, मैंने आलू काटा, और फिर आटा वाटा गूदा, मम्मी अब खाना बना रही है, भैया भी कुछ काम में लगा हुआ है, पापा भी, मतलब पूरे घर में हम सबके सब बीमार हैं। अभी जाके उठ के शुभि को नहलाया, सब लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, जाके खाना खाएंगे, बस ऐसे ही हो रहा है। वरना हम लोग ना फ्राइडे को जाने वाले थे ससुराल, और फ्राइडे से ही हम लोग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, फिर हमने सोचा संडे को जाएंगे, आज सैटरडे है, कल संडे सोच लिया था कि मैंने संडे को जाना है, सारा सामान भी हमारा पैक हो गया था, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे तबीयत ठीक होती है फिर हम लोग जाते हैं ससुराल को। हाँ बच्चा, ये रहा शुभि बच्चा, कैसा है बाबू, अभी ठीक है? हाँ, सच में बहुत अच्छी दवाई दी उन्होंने, इसमें पूरी शुभि की दवाइयाँ हैं। हाँ, अब जाके थोड़ा बोल रही है शुभि, मतलब कल से ना हमारे घर में ऐसा ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया था डर वाला कि यार, क्योंकि सबसे पहले शुभि की तबीयत ख़राब हुई, शुभ पूरी गर्म पड़ चुकी थी। आप देख रहे हो वहाँ पे मैंने एक मग में कपड़ा रखा है, उसी में पानी था, उसी से मैं इसकी पट्टी करने में लगी हुई थी पूरी रात भर, नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तप रही थी, इतनी गर्म हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा गर्म, और हम लोग को भी हो गया। आज तो पूरा परिवार पस्त पड़ा है हमारा पूरा, थोड़ा सा दवाई खाने का थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। मैं शुभि को नहला दिया, अब अम्मा आ गई तो अम्मा अब शुभि के साथ बैठेगी, और मैं नहा के आती हूँ। हाँ बाबू, थोड़ा सा पता है अभी बोल रही है। हाँ बाबू, मतलब बच्चा अब आपका तबीयत कैसा है बाबू? सही में हम लोग ना मतलब बुखार उखार आ गया था, तो आज किसी ने नहीं नहाएगा, अम्मा ने नहाया था और किसी ने नहीं नहाया, क्योंकि हमने कहा तबीयत खराब हो जाए और ज़्यादा हो जाएगी। फिर पहले बुखार ठीक करा, बुखार की गोली वोली खाई, 3 दवाई खाई मैंने, एक तो बुखार की गोली थी वो, एक पेन किलर था, और एक सिर दर्द और सर्दी की थी वो दवाई खाई। अब जाकर के थोड़ा सा उठने की हिम्मत आई, वरना हॉस्पिटल से आने के बाद तो मतलब ऐसा हो गया था ना कि जैसे तैसे करके हम लोग दवाई खा लें, शुभि को खिलाए, जैसे तैसे करके सब हालत स्वस्थ हो रही थी। सही में एक तो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो एक को हो रहा है ये वायरल, जैसे सबको फैल जा रहा है पूरे। तो अभी बज गया है 5:30, और दिन में खाना खाने के बाद हम लोग फिर से सो गए थे,
और तबीयत अभी भी ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सर्दी लगी हुई है और खांसी भी हो रही है। अभी शाम को और दवाई खाएंगे, फिर देखते हैं थोड़ा सा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। सॉरी अभी शुभी की तबीयत तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम लोग की तबीयत खराब होती जा रही है। मतलब खांसी इस हद तक हो रही है ना, उल्टी होने वाला हो जा रहा है, इतनी जोर मतलब प्रेशर के साथ खांसी हो रही है और आंखों से आंसू निकलने में लगे हुए हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, जैसे तबीयत ठीक होती है उसके बाद आप लोग के साथ रेगुलर व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो फिलहाल तो आज के इस व्लॉग में ही पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। ओके बाय बाय।